हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक इन्फो इन हिंदी में। और मैं हूं अनीस, आपसे आज बात करने वाला हूं इंटेक्स के एक मोबाइल के बारे में जिसका नाम है इंटेक्स एक्वा रिंग। तो फ्रेंड्स, ये फोन में कुछ अलग तो नहीं है, मैं पहले ये चीज बता देना वाला हूँ आपको कि इसमें सिर्फ एक पीछे में एक रिंग टाइप का डिजाइन दे दिया गया है फोन के बैक साइड में, जैसे कि मतलब जहाँ पे आप कैमरा देखते हैं उस साइड में, तो इसलिए फोन का नाम इंटेक्स एक्वा रिंग रख दिया है। तो इंटेक्स तो यही करती है, नाम में तो उसको पता नहीं रहता है क्या नाम रखना है, जो मन सो रख देती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसका स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं और इसका प्राइस रेंज कितने में आ रहा है और मेरा ओपिनियन जान लेते हैं। तो इसके प्राइस रेंज से स्टार्ट करते हैं। प्राइस रेंज जो है इसका 3900 के लगभग में प्राइस में आ रहा है ये फोन। अब हम इसका स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। स्पेसिफिकेशन अगर हम देखें तो वही मैं जो आपको बताया, डिजाइन तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फिलहाल मैं आपको बता दूं एक चीज कि बैक में ज्यादा कुछ है नहीं, पीछे में सिर्फ कैमरे के पास सिर्फ गोल सा डिजाइन किया गया है, जिसे मतलब इसका मोबाइल का नाम रिंग रख दिया गया है। तो और कुछ इसमें खास डिजाइन नहीं है। फ्रंट में सेम चीज, बैक में सेम चीज वही जो रहता है। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके डिजाइन को अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके डिस्प्ले के बारे में जानते हैं। डिस्प्ले जो है इसका 5 इंच का HD IPS डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा 720x1280 पिक्सल का। और इसका जो PPI पिक्सल पर इंच होता है वो 294 का PPI आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप इसके फोन में आपको मिलेगा ड्रैगन ट्रेल का प्रोटेक्शन को स्क्रीन पे। तो ये सबसे अच्छी बात है इसमें देखने की कि 3999 के प्राइस में आपको ये ड्रैगन ट्रेल प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है स्क्रीन पे। तो ये तो हो गया डिस्प्ले की बात। अगर हम बात करें इंटरनल पार्ट की, तो इंटरनल पार्ट में आपको 8GB का इंटरनल मेमोरी मिलेगा जिसको आप 32GB तक एक्सपेंड कर पाएंगे। साथ साथ आपको 1GB का रैम भी मिल रहा है और 1.3GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। साथ साथ जो आपको GPU देखने को मिलेगा वो है माली का 400MP। तो फ्रेंड्स, ये आपको GPU देखने मिल जाएगा। ये तो हो गया पूरा इंटरनल पार्ट इसका। अगर हम बात करें कैमरे के बारे में, तो कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा विथ LED फ्लैश के साथ, फ्रंट कैमरे की बात करें तो वो भी आपको 5 मेगापिक्सल का मिल रहा है, मतलब दोनों ही 5x5 मिल रहा है। तो सेल्फी लेने के लिए तो अच्छा ही है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कैमरे की बात। अगर हम बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो बैटरी आपको 2450 का बैटरी आपको MAH का मिल जाएगा, तो जो कि बैकअप अच्छा ही देगा, लगभग ठीक ठाक देगा इस प्राइस रेंज में, तो ठीक ठाक ही देने वाला है। तो फ्रेंड्स, बैटरी की बात तो हो गई। अगर इसकी बात करें अदर चीज़ों की, जैसे कि इसमें 3G है, 2G है, और जो नॉर्मल सिम लगता है वो है डुअल सिम। और अगर हम बात करें हॉटस्पॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ की, वो सब भी इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये सब पूरा हो गया स्पेसिफिकेशन। अगर मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर करूं, तो मैं इतना बोलना चाहूंगा इस फोन के बारे में कि ये जो फोन है 3999 के प्राइस में आ रहा है, इस प्राइस रेंज में अगर इसका स्पेसिफिकेशन हम देखें तो स्पेसिफिकेशन एकदम अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें 1GB का रैम दिया गया है, 1.3GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर आपको मिल जा रहा है, साथ साथ आपको इसमें 8GB का इंटरनल मेमोरी भी मिल जा रहा है, कैमरा भी 5 मेगापिक्सल का, तो बहुत ही अच्छा है। सेल्फी के लिए जो कैमरा मिला वो भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इतना ही बोलना चाहूँगा, ये पूरा स्पेसिफिकेशन जो है प्राइस रेंज में फिट बैठता है। इंटेक्स ने ये अच्छा मोबाइल निकाला है, भले नाम रखने में इंटेक्स को आता नहीं है नाम रखना थोड़ा सा भी। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए।